Good morning, students. Welcome back to your maths class. Today we are going to start chapter number 3, coordinate geometry. So let's start with some basic terms. First term is Cartesian system. The system used to describe the position of a point in a plane is called the Cartesian system. अभी तक आपने जैसे कि चैप्टर 1 में किसी पॉइंट को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखा है. नाउ इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी विल रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन अ प्लेन एंड द सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड द कार्टेशियन सिस्टम. किसी पॉइंट को हम प्लेन में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, इसके लिए जिस सिस्टम का हम यूज करते हैं वो कहलाता है कार्टेशियन सिस्टम. अब प्लेन से क्या मीनिंग है, सपोज मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इस रेक्टेंगल के अंदर कहीं भी मैंने एक पॉइंट पी लिया. अब इस पॉइंट पी की उस लेंथ से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, उसकी रेक्टेंगल की विड्थ से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी. यहाँ पे सिर्फ एक नंबर लाइन तो नहीं है जिस पे हमने उस पॉइंट पी को रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल के अंदर हमने कोई पॉइंट पी लिया है जिसकी लेंथ से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है और विड्थ से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है. तो यहाँ पे हमें दो नंबर लाइन की जरूरत पड़ रही है. अब इस दो नंबर लाइन की जरूरत पड़ रही है इसलिए हमने यहाँ पे एक प्लेन कंसिडर किया है जो कि कार्टेशियन प्लेन कहलाता है. नाउ व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? अ कार्टेशियन प्लेन इज डिफाइंड बाय टू परपेंडिकुलर नंबर लाइन, अ हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस एंड अ वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस. कार्टेशियन प्लेन जो होता है बेटा वो दो नंबर लाइन से मिलकर बना होता है. नंबर लाइन तो आप सभी जानते हैं, एक नंबर लाइन जिसमें कि बीच में जीरो होता है. ऑन राइट हैंड साइड वी हैव ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑन नेगेटिव साइड वी हैव ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑन LHS साइड वी हैव ऑल नेगेटिव नंबर्स. सो देयर आर टू नंबर लाइंस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. यहाँ पे दो नंबर लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है. इसमें से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है उसे हम वाई एक्सिस कहते हैं. दिस लाइन्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये जो लाइन्स हम ले रहे हैं नंबर लाइन्स जिसे कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट कहा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती है. द कार्टेशियन प्लेन एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शंस. जैसे कि आप नंबर लाइन में जानते हैं नंबर लाइन पॉजिटिव साइड में भी इनफाइनाइटली नंबर्स तक जाता है और नेगेटिव साइड में भी इनफाइनाइटली नंबर्स तक जाता है. यहाँ जो कार्टेशियन प्लेन बना है ये भी दो नंबर लाइन से ही मिलकर बना है, इसलिए ये भी चारों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली नंबर्स तक जा सकता है. ओरिजिन, द कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू एक्सिस आर इज कॉल्ड ओरिजिन. अभी मैंने आपको बताया जो नंबर लाइन होती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है. अब 90 डिग्री का एंगल जहां ये बना रही है वहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट ओरिजिन कहलाता है. In this diagram, you can see these are two number lines. This horizontal line is called x-axis and this vertical line is called y-axis. यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो horizontal line है ये number line x-axis कहलाती है और ये जो vertical number line है ये y-axis कहलाती है. एक्स एक्सिस में जो राइट हैंड साइड है इस राइट हैंड साइड में ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑल नंबर्स आर नेगेटिव. ऑन वाई एक्सिस ऑल नंबर्स विच आर ऑन अपवर्ड, जो ऊपर की तरफ नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं और जो नीचे की ओर डाउनवर्ड्स में जो नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं. अब ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज क्वाड्रेंट. द कार्टेशियन प्लेन इज डिवाइडेड इनटू फोर इक्वल पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स. दिस आर नेम्ड इन द ऑर्डर एज फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टार्टिंग विद द अपर राइट एंड गोइंग अराउंड इन
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप यहाँ देख रहे हैं जब ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक्सिस एक दूसरे को, इस एक्सिस के इंटरसेक्ट करने से ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो ये जो फोर पार्ट्स है वो क्वाड्रेंट कहलाते हैं। इन क्वाड्रेंट का नेम हम क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री एंड क्वाड्रेंट फोर इस तरह से हम इसे जानते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। नाउ पॉइंट्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। हम जब किसी पॉइंट को किसी क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके साइन जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। एज आई टोल्ड यू ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस वी हैव ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑन अपवर्ड साइड ऑफ वाई एक्सिस ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव। सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव। यदि हम किसी पॉइंट की डायरेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताते हैं तो एक्स एक्सिस के राइट हैंड साइड में सारे नंबर्स पॉजिटिव है और यहाँ वाई एक्सिस के ऊपर वाले नंबर सारे पॉजिटिव है। तो यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी एक्स वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वाई वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। जो फर्स्ट पॉइंट है वो एक्स वैल्यू को बताता है और जो सेकेंड पॉइंट है वो वाई वैल्यू को बताता है। नाउ इन सेकेंड क्वाड्रेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस ऑल नंबर्स आर नेगेटिव बट ऑन अपवर्ड साइड ऑफ वाई एक्सिस ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव। सो इन सेकेंड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी नेगेटिव बट द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट यू कैन सी ऑल नंबर्स ऑफ एक्स एक्सिस ऑन लेफ्ट हैंड साइड आर नेगेटिव एंड ऑल नंबर्स ऑन वाई एक्सिस इन डाउनवर्ड साइड आर नेगेटिव। सो इन दिस क्वाड्रेंट बोथ द नंबर्स विल बी नेगेटिव। इस क्वाड्रेंट में आप देखेंगे एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई की वैल्यूज भी सारी नेगेटिव है। तो इस क्वाड्रेंट के सारे पॉइंट जो होते हैं उसमें एक्स और वाई दोनों वैल्यूज नेगेटिव होती है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट अगेन एक्स एक्सिस नंबर्स ऑन राइट हैंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस आर पॉजिटिव एंड द नंबर्स ऑन वाई एक्सिस आर नेगेटिव। सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स वैल्यू विल बी पॉजिटिव एंड द वाई वैल्यू विल बी नेगेटिव। सो साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस एक्स कोऑर्डिनेट एंड प्लस वाई कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल 2, 3 इस क्वाड्रेंट में हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव होती है। फॉर एग्जांपल -1, 4 ये एक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ये फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर वाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। सो -1, 4 इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। सो एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज आल्सो नेगेटिव। फॉर एग्जांपल -3, -5 एंड इन फोर्थ कोऑर्डिनेट एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव। सो एग्जांपल ऑफ दिस इज -6, -1 Now there are some more topics which should be learned. यहाँ पे कुछ और points भी given है जो आपको learn करना है, याद रखना है। The coordinates of a point are written by using the following conventions. किसी भी coordinate point के coordinate को लिखने के लिए आपको जो following rules है उन्हें याद रखना होगा। The x coordinate of a point is its perpendicular distance from the y axis measured along the x axis. The x coordinate is also called the abscissa. आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हम कोई पॉइंट लेते हैं तो उसकी x वैल्यू क्या होगी इसके लिए हम y एक्सिस से परपेंडिकुलर जाते हैं। यहाँ पे यदि मैंने कोई पॉइंट सपोज यहाँ लिया तो अब इस पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम y एक्सिस से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और y एक्सिस से जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें कहाँ दिखेगी x पे।
when we take a point in first quadrant, so we will draw a perpendicular line to y-axis and we'll get the value by x-axis. हम इस x-axis के through उसकी value find करते हैं. And the x-coordinate, जो x-coordinate की value होती है, उसे abscissa भी कहा जाता है. The y-coordinate of a point in its perpendicular distance from the x-axis measured along the y-axis, the y-coordinate is also called the ordinate. Now again, at this point, if we want to measure the y-coordinate value, the value of y-coordinate, we will draw a perpendicular from x-axis. यदि हमें y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम परपेंडिकुलर x एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे. उस परपेंडिकुलर की वैल्यू हम यहाँ इस y एक्सिस से मेजर करेंगे. सो इफ वी वांट टू फाइंड आउट द x कोऑर्डिनेट, वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम y एक्सिस. एंड इफ वी वांट टू फाइंड आउट द y कोऑर्डिनेट, वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम x एक्सिस. And the coordinate of y-axis is also known as ordinate. The third point is, in stating the coordinate of a point in the coordinate plane, the x-coordinate comes first and then the y-coordinate. We place the coordinates in brackets. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, x कोऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू को हम पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू को हम बाद में लिखते हैं. इन दोनों को हम इस तरह से ब्रैकेट में लिखते हैं, जो कि कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर. ये वैल्यू जो होती है, ये वैल्यू जिसे हम ब्रैकेट में शो करते हैं, ये कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट को शो करता है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट. और इसे कॉम्बिनेशन में, इसके कंबाइंड वैल्यू को हम कहते हैं, इसकी कंबाइंड वैल्यू को हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर. द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन ओ आर 0 0, बिकॉज इट हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द एक्सिस, सो इट्स एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर 0. इफ वी टॉक अबाउट द ओरिजिन वेयर दिस वेयर द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर, जहां पे हम x एक्सिस और y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट देख रहे हैं, जो कि ओरिजिन कहलाता है, इसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0 होती है. एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर 0, बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस बोथ आर 0. यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0 है, ये दोनों का मिड पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसलिए ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं. इसके ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू हमेशा 0 0 होती है. नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 इज, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन द टेबल टू अनदर पर्सन. इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, किसी टेबल के ऊपर एक टेबल लैम्प रखा है, इसकी पोजीशन को आप किसी थर्ड पर्सन को या किसी दूसरे पर्सन को बताना चाहते हैं, तो आप इसे किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे. नाउ टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प प्लेस्ड ऑन द टेबल, लेट अस कंसीडर द टेबल लैम्प एज पी एंड द टेबल एज अ प्लेन. आप यहाँ पे सबसे पहले जो टेबल है वो एक रेक्टेंगुलर शेप में है, और रेक्टेंगुलर शेप में है इसलिए उसे एक प्लेन की तरह कंसीडर करेंगे, जिसमें कि उसकी लेंथ को हम x एक्सिस सपोज कर सकते हैं, उसकी विड्थ को हम y एक्सिस सपोज कर सकते हैं, और जहां पे उसका कॉर्नर है, उस कॉर्नर दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस विल बी द ओरिजिन ऑफ दैट टेबल. नाउ लेट अस कंसीडर दैट द टेबल लैम्प इज एट पॉइंट P. हमने ये मान लिया कि कोई पॉइंट P है जहां पे वो टेबल लैम्प उस टेबल के ऊपर रखा हुआ है. सो नाउ चूज टू परपेंडिकुलर एजेस ऑफ द टेबल एज द एक्सिस OX एंड OY. नाउ एज आई टोल्ड यू दैट द लेंथ कैन बी कंसिडर एज OX x एक्सिस एंड द विड्थ और ब्रेथ कैन बी कंसिडर एज OY और y एक्सिस. नाउ मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस a सेंटीमीटर ऑफ P फ्रॉम OY. ये जो लैम्प लिया है हमने पॉइंट P पे, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम जब y से लेते हैं तो सपोज इट इज a सेंटीमीटर, सो द x कोऑर्डिनेट ऑफ द लैम्प विल बी रिप्रेजेंट बाय a.
measure the perpendicular distance b centimeter of p from ox. ये जो x एक्सिस है, इस x एक्सिस से जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं पॉइंट P की, सपोज वो b सेंटीमीटर है, सो द y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज b. Thus the position of the table lamp P is described by the ordered pair A comma B. अब जब हमने A x कोऑर्डिनेट को A और y कोऑर्डिनेट को B से रिप्रेजेंट किया है, तो ordered pair of AB will represent the position of the table lamp P. Now start exercise 3.2. Question number of exercise 3.2 is write the answer of each of the following question. You have given some questions and you have to answer them. First question is, what is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? Cartesian plane में जो हमने horizontal line और vertical line को दिखाया है, उसे हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है. So the horizontal line is known as x-axis and the vertical line is known as y-axis. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? आपसे इस क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ पे इन दो लाइंस से मिलके जो पार्ट्स बनते हैं, उन पार्ट्स को क्या कहा जाता है? So I have told you in previous slides that the parts each these two lines intersect at origin and divide the plane into four equal parts and each part is known as quadrant. यहाँ पे जो ये दो लाइन है, इस ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट होती है और ये इस प्लेन को फोर पार्ट्स में डिवाइड करती है और हर एक पार्ट क्वाड्रेंट के नाम से जाना जाता है. राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस इंटरसेक्ट. द पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन. नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज, सी द गिवन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग. यू हैव गिवन अ फिगर वेयर सम पॉइंट्स आर गिवन. यू हैव टू आंसर the questions. First question is the coordinate of B. Where is point B? And the coordinate of this point, the value of x coordinate is minus 5 and the value of y coordinate is 2. So the value of point B is minus 5 comma 2. The coordinate of C. Where is point C? C is here. The value of x coordinate is 5 and the value of y coordinate is minus 5, and the coordinate of point C is 5 comma minus 5. The point identified by the coordinates minus 3 comma minus 5. Here you can see both values are negative and both values are negative, that is this point will lie in third quadrant. Now in third quadrant, minus 3, x value is minus 3 and y value is minus 5, that is this point can be represented by point E. Now the point identified by the coordinates 2 comma minus 4, first value is positive and second value is negative, that is this point will lie in fourth quadrant. So in fourth quadrant, x value is 2 and y value is minus 4, that is this point will represent by point G. The abscissa of the point D is, D point is here and the abscissa, that is x coordinate, is 6, and the abscissa of the point D is 6. The ordinate of the point H, point H is here, and the ordinate, that is y value, and y value, that is minus 3, hence the ordinate of the point H is minus 3. The coordinate of the point L. In book you can see the point L is here. So the coordinate of the point L is here. X value is 0 and y value is 5. So the coordinates of the point L is 0 comma 5. The coordinate of the point M.
Now you can see the point M lies here on x-axis. Here the value of x-axis is minus 3 and the value of y-axis is 0. So the coordinate of the point M is minus 3, 0. Now let's start exercise 3.3, in which question number 1 is, in which quadrant or on which axis do each of the point lie? Verify your answer by locating them in the Cartesian plane. आपको ये points कुछ given है, इन points को आपको बताना है कि ये कौन से coordinate में, ये कौन से quadrant में represent किए जा सकते हैं और इन्हें आपको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करके वेरीफाई भी करना है कि आपने जो आंसर दिया है वो सही है या नहीं है. सो द फर्स्ट पॉइंट इज माइनस 2, 4. आपको फर्स्ट पॉइंट माइनस 2, 4 गिवन है. नाउ यू कैन सी द एक्स वैल्यू इज नेगेटिव एंड वाई वैल्यू इज पॉजिटिव. हैंस दिस पॉइंट विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट. The point minus 2, 4 is having negative abscissa and positive ordinate. Therefore, minus 2, 4 lies in the second quadrant. The point 3, -1. In this point, you can see the x value is positive and y value is negative. First positive and second negative. That is, this point will lie in fourth quadrant. The point minus 1, 0. Again, x is negative and the second point is 0. Negative abscissa and 0 ordinate. 0 ordinate, that is, this point will lie on x axis. यहाँ पे y की value 0 है, इसलिए ये कहाँ होगा? ये point x axis पे होगा and the value of x is negative. So, this point will lie on negative x axis. The point 1, 2. Both values are positive, so this point will lie in first quadrant. The point minus 3, -5. Both values are negative, hence this point will lie in third quadrant. Now you can represent this by plotting this point in Cartesian plane. Up in पॉइंट्स को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करके रिप्रेजेंट करके आप बता सकते हैं कि जो आपने आंसर दिए हैं वो करेक्ट है. फर्स्ट पॉइंट इज माइनस 2, 4. माइनस 2, दैट इज एक्स वैल्यू इज माइनस 2 एंड वाई वैल्यू इज प्लस 4. दिस पॉइंट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. यू कैन सी अवर आंसर इज करेक्ट. सेकेंड पॉइंट इज 3, -1. 3, -1, 3 and y value minus 1, that is, it is represented by point B, which is in fourth quadrant. So 3, -1 lies in fourth quadrant. Second answer is also correct. Third point, C, -1, 0. Minus 1 is here and 0, that is x-axis. On negative x-axis this point will lie. So minus 1, 0 lies on the negative x-axis. This answer is also correct. Fourth point is D, 1, 2. 1, 2 lies in first quadrant and our answer was also 1, 2 lies in first quadrant is correct. The fifth point is minus 3, -5. When we plot this point, we get this point is represented in third quadrant. Hence, the last answer is also correct. Hence, we have verified by locating these points in the Cartesian plane. हमने इन points को Cartesian plane में भी represent कर दिया, जिससे हमने show कर दिया या verify कर दिया कि जो हमने answer दिए हैं वो correct है. इस तरह से हमने आज चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है. नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट एनी न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर. थैंक यू.